नेशनल कैडेट कोर ये एनसीसी का फॉर्म है जो हमें ऑल इंडिया में इनरोलमेंट फॉर्म है, सब जगह सेम फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है सेम। तो वीडियो पूरा देखना और रेगुलर लाइव क्लास कीजिएगा, शाम में 8 बजे होती है क्योंकि ये पक्का फाइनल सेक्शन रिटन टेस्ट पे होता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको सबसे पहले फॉर्म अप्लाई कैसे करते हैं बताता हूँ। ये एडमिशन फॉर्म है, ठीक है, सबको फॉर्म फिलअप करना ही है टोटल ऑल इंडिया में, चाहे आप कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो। तो वीडियो पूरा देखना और जहाँ दिक्कत समझना फिर मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं फिर से आपको बता दूंगा। और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत हो मैसेज करना, 8 बजे रेगुलर लाइव क्लास करना। तो चलिए पहले फॉर्म फिलअप देखते हैं। यहाँ पे आपको सारा कुछ ना ब्लॉक लेटर में पहले फिलअप करना है। अगर इसमें आपका इनरोलमेंट नंबर तो इसको आपको छोड़ देना, इसमें कुछ फिलअप नहीं होगा। ये आपका एडमिशन जो एनओ आपके एनसीसी टीचर है वो फिलअप करेंगे। इसमें आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा, ठीक है, फ़ोटो अच्छे से क्लिक करवाना, बाल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और दाढ़ी ओढ़ी, दाढ़ी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मूछ आपकी होगी तो चलेगी, दाढ़ी नहीं होना चाहिए, शेविंग होना चाहिए, बाल भी बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब स्मार्ट फोटो होना चाहिए। नेम इन ब्लॉक लेटर, इसमें स्टूडेंट का नाम होगा, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम होगा। अगर मेरा नाम तेजस है तो मैं इसमें टी लिखूंगा, फिर ई लिखूंगा, फिर जे ए एस। अगर कुमार भी लिखना है तो एक ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर के यू एम ए आर, इस तरह से फिलअप करना। आप अपना नाम फिलअप करना, तेजस नहीं फिलअप करना। यहाँ पे सेकंड है नेशनलिटी एंड डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप नेशनलिटी में इंडियन लिखेंगे, सब लोग इंडियन, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है, इसमें आपका डेट होगा, ठीक है, इसमें डेट होगा, इसमें आपका मंथ होगा, इसमें ईयर। अब ईयर का ना लास्ट वाला लिखेंगे, ठीक है, अगर आपका 2004 है तो 04, 2005 है तो 05, इस तरह से ध्यान रखिएगा। मैं सारा कुछ एक एक करके बताऊंगा। यहाँ पे पिताजी का नाम ब्लॉक लेटर में लिखना है, फर्स्ट वाला नेम, फिर उसे ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, इसमें पिताजी का, पिताजी माताजी किसी का भी लिख सकते हैं, दोनों का लिखना है। तो यहाँ पे पिताजी का, यहाँ पे फिर माताजी का ब्लॉक लेटर में लिखना। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब आप कहाँ से रहते हैं, किस जगह पर रहते हो, इसमें क्या क्या लिखना है, लैंडमार्क, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सिटी, विलेज, पिन कोड। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर मेरा लिखना है तो नोनार, आप अपना फिलअप करना, एक ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर स्टेट लिखना, जैसे बोला जाता है वैसे फिलअप करना, ठीक है, ध्यान देना। फिर बिहार, फिर डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे लिखूंगा भोजपुर, फिर यहाँ पे तालुका यानी प्रखंड, तो मेरा पीरो है तो पीरो लिखूंगा, इस तरह से एक एक बॉक्स में एक एक अच्छे से लिखना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा। फिर यहाँ पे सिटी विलेज, मैं गांव से हूँ, सिटी से नहीं हूँ तो मैं अपने गांव का नाम लिख दूंगा फिर यहाँ पे, ठीक है, नोनार। फिर पिन कोड लिखना, तो यहाँ पे मेरा पिन कोड 8207 है तो मैं अपना पिन कोड फिलअप, तो इस तरह से जैसे बोला जाता है वैसे फिलअप करना। नेक्स्ट यहाँ पे आप मोबाइल नंबर अपना फिलअप कर देंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर जो भी आपका है, ठीक है, इस तरह से फिलअप कर देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी, जिनका ईमेल आईडी नहीं है आप अपना एक ईमेल आईडी बना लेंगे, यूट्यूब वीडियो देख लेना कैसे बनाते हैं, फिर बना के लगभग तो सबका होगा, तो ईमेल आईडी आप फिलअप कर देंगे, ठीक। ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप जिन्हें नहीं पता आप अपना चेक करा लेंगे, मेरा बी निगेटिव है तो निगेटिव डालूंगा, बी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव डालूंगा, ठीक है, बी प्लस लिख देंगे, निगेटिव है तो निगेटिव, जो आपका ब्लड ग्रुप होगा पता करके मेडिकल चेकअप करा के फिलअप कर देना। सेक्स यहाँ पे अगर आप लड़के हैं मेल लिखेंगे, अगर लड़की है फीमेल लिखेगी, ठीक है, इस तरह से एक बॉक्स में एक ही लिखना है। ट्रेन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा उसका नाम, स्टेशन का, हॉल्ट का नहीं। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मार्क्स इन परसेंटेज, आप कहाँ तक पढ़े लिखो, अगर आप टेंथ पास हो यहाँ पर टेंथ लिख देंगे या मैट्रिक लिखेंगे, इंटर पास हो तो इंटर लिखेंगे, एट्थ पास हो तो एट्थ लिखेंगे, एंड एक ब्लैंक छोड़ के कितना परसेंट मार्क्स आपका रहा प्रीवियस ईयर क्लास में, परसेंटेज में मार्क्स लिखना। 30 नंबर ध्यान दें, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एटलीस्ट 2, मतलब 2 कोई आपका बॉडी पे निशान होना चाहिए, ठीक है, जैसे आपका कहीं पे कट मार्क होगा या फिर तिल होगा तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर, एक इधर लिखेंगे, नंबर नहीं देना यहाँ पे लिखना है, यहाँ कट मार्क ऑन लिप मेरा है एक लिख देंगे, फिर मेरे गाल पे तिल है तो यहाँ पे लिख देंगे अमोथ ऑन लेफ्ट चीक राइट चीक, उस तरह से, ठीक है, 2 निशान ध्यान रहे। 14, क्या आपको कभी क्रिमिनल कोर्ट वगैरह हुआ है, इसमें लिखेंगे नो, सब लोग। यहाँ पे आपका नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, जिस स्कूल कॉलेज से हो उसका नाम, फिर कौन सा आपका सब्जेक्ट है, ठीक है,
आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी है वो फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट है आपका 16 में, आप 1948 के तहत एनसीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे यस पर टिक कर देंगे। एनसीसी यूनिट, एनसीसी बटालियन का नाम, बटालियन का नाम पूछ लेंगे अपने एनसीसी टीचर से, इसमें फिलअप कर देंगे। 18 कि आपने पहले कभी एनसीसी में एडमिशन लिया, अगर नहीं लिए हैं तो नो लिखेंगे, लिए हैं तो यस लिखेंगे, अगर लिए थे तो फिर आपको इसमें इनरोलमेंट नंबर देना है, तो इससे बढ़िया कि नो लिख दो, ठीक है। 19 कि आपको कभी डिसमिस किया गया एनसीसी से या आर्मी से, इसमें भी नो लिखेंगे। 20 नंबर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ऑफ किन, मतलब सबसे आपके निकटतम संबंधी कौन है, सबसे क्लोज आपके रिश्तेदार, इसमें पिताजी का माताजी का नाम, ठीक है, पेरेंट्स नेम यहाँ पे लिख देंगे, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे पिताजी हैं तो फादर लिखेंगे, माताजी हैं तो मदर, फिर नंबर अपना ही नंबर दे देना, ठीक है, उनका नंबर देने का जरूरत नहीं, अपना नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पे बैंकर्स डिटेल्स, आईएफएससी कोड, आपका बैंक अकाउंट होगा यहाँ पे, अकाउंट नंबर, फिर आपका आईएफएससी कोड होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे बैंकर्स डिटेल्स यानी किस किसके नाम से बैंक है, आपके नाम से, तो यहाँ पे अपना नेम कोई एक लिखना, आप आईएफएससी कोड ही डाल देंगे, ठीक, इसको छोड़ देना, आईएफएससी कोड इसमें होगा, आईएफएससी कोड यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर ऑफ क्रेडिट, आप अपना अकाउंट खुला लेना, आपका मांग रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे एक बॉक्स में एक, इधर आपका आधार नंबर होगा जरूरी है, पैन कार्ड, अगर आपका पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये फिल आउट है, आधार कार्ड तो सबका, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देंगे है तो, फिर यहाँ पे प्लेस डेट, यहाँ पे स्टूडेंट का साइन होगा, स्टूडेंट सिग्नेचर, और यहाँ पे नीचे आपके गार्जियन का, ठीक है, पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा, और यहाँ पर आपके जो एनसीसी टीचर हैं उनका सिग्नेचर होगा, और स्टाम्प, स्टाम्प जरूरी है, इधर आपके स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल का साइन होगा, ठीक है, ध्यान रहे, ये देख रहे हैं ये फॉर्म अलाहाबाद का पहले से प्लेस डाला है, तो आप जहाँ से हैं ना, जिस स्कूल कॉलेज से, तो वहाँ का यहाँ पर स्थान डालेंगे, ठीक, अलाहाबाद वाले अलाहाबाद, ऑल इंडिया में सेम होता। सेकेंड में आपको यहाँ पे आपके एनसीसी टीचर या फिर स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल का यहाँ पर साइन होगा, ठीक है, स्कूल कॉलेज, डेट प्लेस लिख देंगे। अब यहाँ पे आपके पिताजी बोल रहे हैं कि मैं अपने पुत्र पुत्री जिनका नाम, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट्स नेम ब्लॉक लेटर में, फिर यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा, पेरेंट्स सिग्नेचर, यहाँ पे उनका पूरा एड्रेस, ठीक है, फुल एड्रेस, यहाँ पे विटनेस में ध्यान दें, पहले में आप विटनेस में करा लेंगे अपने गांव के वार्ड का, सरपंच या फिर मुखिया जी से किसी एक का, उनका पूरा नाम ऊपर सिग्नेचर होगा, एड्रेस होगा, और स्टाम्प भी लगवाना है, जरूरी है, यहाँ पर आपके एनसीसी टीचर यानी एएनओ या फिर स्कूल के प्रिंसिपल, दोनों में से किसी एक का करा लेंगे, और पूरा नाम एड्रेस, फिर उनका स्टाम्प होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना। फोर में, फिफ्थ में आते हैं, यहाँ भी आपको कुछ नहीं फिलअप करना। नेक्स्ट फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर आपका नाम होगा, ठीक है, मतलब स्टूडेंट का नाम, ध्यान रहे, स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पे आपके पेरेंट्स का नाम होगा, माता पिता जी का नाम, पेरेंट्स नेम, यहाँ पे स्टेशन यानी स्थान यहाँ पे लिखना, ठीक है, प्लेस लिखना, डेट, यहाँ पर स्टूडेंट का साइन होगा, स्टूडेंट का नेम होगा ब्लॉक लेटर में, और यहाँ पे एड्रेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इधर आपको कुछ नहीं करना, नॉमिनेशन फॉर्म, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम होगा ब्लॉक लेटर में, यहाँ पर आपके पेरेंट्स का नेम होगा ब्लॉक लेटर में, और स्कूल कॉलेज का नेम होगा ब्लॉक लेटर में, यहाँ पर आप इनरोलमेंट नंबर छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पे छोड़ देना, यहाँ पे डेट लिखना, ठीक है, तो जिस दिन फॉर्म जमा करेंगे ना उस दिन का डेट होगा, और यहाँ पे आपको लिखना है कितना रुपीज़ दिया गया, तो ये भी आप छोड़ देंगे, बटालियन से पूछ लेंगे, फिर उसको यहाँ पे आपका एनसीसी बटालियन का नाम होगा, ठीक है, यूनिट का नाम पूछ लेना, फिर उसको फिलअप करेंगे, और यहाँ पे कौन से क्लास में छूट गया, जिस क्लास में अभी है प्रेजेंट में, इलेवेंथ में तो इलेवेंथ, ट्वेल्थ में तो ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन पार्ट वन में तो पार्ट वन, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जिसमें फिलअप करना। सेकेंड में है आपका, आपके पिताजी क्या करते हैं, पेरेंट्स, उनका ऑक्यूपेशन होगा, ठीक है, यानी उनका पैसा क्या है, उनका एक साल का इनकम कितना है प्रतिवर्ष, यहाँ फिलअप कर देंगे, या फिर यहाँ। थर्ड में कुछ नहीं करना। फोर में आपको नॉमिनेशन फॉर्म है, अगर आपको एनसीसी के ट्रेनिंग के दौरान कुछ हो जाता है किसी कारणवश, तो आपको फैमिली को सरकार के, मतलब एनसीसी के थ्रू सहायता राशि प्रदान की जाती है, ठीक है,
इसमें एक में आप लिख देंगे अपने पिताजी का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उनकी एज यानी उम्र, दोनों की क्या रिलेशन है, पिताजी है तो यहाँ पे लिख देंगे पिताजी या फादर, माताजी है तो माताजी या मदर, यहाँ पर आप उनका परमानेंट एड्रेस डाल देंगे दोनों का, 50% 50% दोनों को कर देंगे। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पे डेट प्लेस और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट होगा, ठीक है, स्टूडेंट का साइन अच्छे से। उसके बाद इधर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ गया मेडिकल, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट नेम, डेट यहाँ पे छोड़ देना है, आपके जो जहाँ से मेडिकल कराएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो डेट डाल देंगे। यहाँ पे उनका साइन होगा डॉक्टर का, कौन से रैंक पे हैं, और उनका फिर स्टाम्प लगवा लेंगे, ठीक है, स्थान जहाँ पे हॉस्पिटल है और डेट डाल देंगे। ये आपका अवधि बढ़ाने के लिए है, यहाँ पे स्टूडेंट का साइन होगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, बटालियन के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पेरेंट्स का साइन होगा, पेरेंट्स का साइन, प्लेस यानी स्थान और डेट डाल लेंगे। यहाँ पे आपके स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल का साइन करना, ठीक है, और स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल का साइन यहाँ पे। नेक्स्ट आइडेंटिटी बॉन्ड, यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, विटनेस चाहिए, यहाँ पर स्टूडेंट का पहले साइन कर लेंगे आप अपना, स्टूडेंट साइन, नंबर छोड़ देंगे, अपना नेम, स्टूडेंट का नाम, ठीक है, यूनिट यानी बटालियन का नाम, फिर इस तरह से लाइन देंगे और ग्रुप का नाम लिखना है, बट पूछ लेना अपने एनसीसी टीचर से या फिर किसी सीनियर कैडेट से जो पहले से एनसीसी करते हैं कौन से ग्रुप में बटालियन आता है, तो यहाँ पे ग्रुप का नाम, यहाँ पे सिग्नेचर उन दो लोगों का विटनेस कराना है जो आपके साथ एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक कैडेट का यहाँ पे उसका नाम, सिग्नेचर, नाम और एड्रेस, फिर यहाँ पे दूसरे जो आपके साथ एनसीसी ज्वाइन कर रहा है, सिग्नेचर, नाम, एड्रेस, लड़का लड़की दोनों का सेम होता है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा, फिर उनका नाम होगा और एड्रेस होगा, तो टोटल आपका फॉर्म इतना ही फिलअप करना था, यहाँ पर स्थान और डेट डाल लेंगे। डेली शाम में 8 बजे लाइव क्लास कीजिएगा और पढ़ के आइएगा, ठीक है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत हो मैसेज करना, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ वहाँ से आप रेगुलर जो जानकारी चाहिए वीडियो देखते रहेंगे, और प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे जहाँ से आपको पढ़ के आना। 8 बजे क्लास रेगुलर करना, मिस करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी आपकी भर्ती में, क्योंकि फाइनल सेक्शन रिटन टेस्ट को होता है और 8 बजे रेगुलर क्लास चलती है। तो मिलते हैं 8 बजे लाइव क्लास में, अभी के लिए इतना ही, जो भी आपका डाउट है कमेंट कर दो, जहाँ पे दिक्कत हो जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताना, और चैनल सब लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।